मंडवा महल। भोरमदेव मंदिर के पास एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंडवा महल दर्शनीय है, जो भोरमदेव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंडवा महल में नागवंशी राजा और हेडवंशी रानी के विवाह पंडाल है। वैसे तो मूल रूप से मंडवा महल एक शिव मंदिर था, परंतु इसका आकार विवाह के समियान की तरह होने के कारण इसे मंडवा महल के रूप से जाना जाता है और इसे दुलादेव भी कहा जाता है। नागवंशी सम्राट रामचंद्र देव ने सन 1349 में यह मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह मंडप 16 स्तंभों पर टिकी हुई है। इस मंदिर में कामो जेतक मूर्तियां बनवाई गई हैं। इन दीवारों पर चित्र कामो मूर्तियां विभिन्न 54 मुद्राओं में दर्शाई गई हैं। यह सारे आसन कामसूत्र से प्रेरित हैं, जो कि वास्तव में अन्यता प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ सारे चित्रण कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तत्कालीन नागवंशी राजाओं का तंत्र अत्यधिक विश्वास करते थे। जगह और विषय मौकों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। भोरमदेव मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही अपना वास्तुकला की पृष्ठभूमि के भी अद्वितीय है। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है। इसके एक भाग में मंदिर बना गया और दूसरे भाग को पत्थरों पर नक्काशी के द्वारा निर्मित किया गया। मुख्य भोरमदेव मंदिर सुरमे शांति झील के सामने बना है। इस मध्य मंदिर 5 फीट ऊंचे स्थान पर मंडप अंतराल और गर्भगृह को मिलाकर बनाया गया। पूर्व मुखी मंदिर में पश्चिम को छोड़कर तीनों दिशाओं पर दीवार है। ईंट निर्मित मंदिर भी गर्भगृह के सामने है, परंतु यहाँ मंडप नहीं बना है और खुली दीवार ही है, जिसे कहा जाता है। इस मंदिर के ऊपर भी भोरमदेव मंदिर जैसी ही आकार बनाया गया है और इसकी चोटी का भाग मध्य में टूटा हुआ है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पूरी तरह से पाषाण निर्मित है, जिसका केंद्रीय स्तंभ आसपास के तीनों स्तंभों से जुड़ा हुआ है। मुख्य मंदिर के बाहर शिवलिंग और उमा महेश्वर की मूर्तियां स्थापित हैं। ये थी SM News की रिपोर्ट।